पिछले आज चौथा दिन पूरा हो रहा है, हम लोग का दो दिन बचा है। इस चार दिन में हम लोगों ने जो भी सीखा है, चर्चा से जो समझा है, जो हमको लगा है क्या ठीक लगा है क्या ठीक नहीं लगा है, तो वो आप लोग एक एक करके आज हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे, हम लोग उसको सुनेंगे, है ना। तो आप लोगों से जो अपेक्षा है कि आप क्या बताएंगे, वो मैं दूर से नीचे से लेके आए मेरे पास है तो आपके पास। तो आप लोग एक एक लोग जो है ना लिख ले। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखा रहेगा। आप लोग एक तो ये बताएंगे, नाम तो आप बताएंगे ही बताएंगे, दूसरा आप जो बताएंगे कि डे वन आपका, डे वन, डे टू और डे थ्री और डे फोर, चार दिन पर, चारों दिन में आपको, चारों दिन में कैसा लगा, और जो भी बात हुआ, जो भी चार दिन में चर्चा हुआ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण लगा कि नहीं, और महत्वपूर्ण लगा तो चारों दिन में कोई एक एक बात क्या महत्वपूर्ण है, पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या, है ना। चारों सब कॉपी में से बोल सकते, देख के आप सोच लो, फिर बोलना तो बोलते समय भले वो कर लेना। चारों दिन का एक एक महत्वपूर्ण बात, और आखिरी बात, जो भी आपने पढ़ा ये बच्चों के लिए आवश्यक है कि नहीं, जो भी आपको बताया गया वह आपके लिए और आपके परिवार के लिए आवश्यक है क्या, ये तीन चार बातें हैं, एक दो तीन चार, पांचवा आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो आप, ठीक है। तो क्या क्या नाम तो बताएंगे, दूसरा तो चार दिन कैसा लगा, तीसरा महत्वपूर्ण लगा कि नहीं, अगला चारों दिन का कोई एक एक महत्वपूर्ण बात, फिर ये पूरी बात जो आपके साथ चर्चा हुई वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए आप महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं, पांचवी आप अपने तरफ से कोई भी बात भी कहना चाहते हैं, एक एक करके शुरू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सीट पे ही खड़े होकर बता देंगे, बैठे बैठे भी बता सकते हैं, बैठे बैठे ही बता दें, माइक की जरूरत बिना माइक के बोलेंगे, नहीं नहीं कहीं से भी कोई सारी तरह से बोलेगा, अंकिता आप चुप रहेंगे,
तो सुनाई देगा, माइक तो है। मेरा नाम है अंकिता जौहरे, मुझे चारों दिन अच्छी लगी। कौन सा अच्छा लगा? अपना भी बोलना तो बोल सकते। मुझे दूसरे में भी अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा अगर आपसे आपको बताना हो तो कॉपी देख के भी बता सकते हैं। चाहना, प्रयास करना, बनाना करना, पाना होना, ये अच्छा लगा। और इसके अलावा और क्या अच्छा लगा? सही समझना, संबंध, सुविधा, ये भी अच्छा लगा। और मानना, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति स्थिति, ये भी अच्छा लगा। मानव के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या ठीक लगा? कि हम जो दो तरह की क्या 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 है? स्वयं हो, स्वयं हो, शरीर, बोलो ना, स्वयं हो, शरीर, इन दोनों की आवश्यकता है कैसी? अलग अलग है, किस तरह की? अलग अलग। स्वयं की कोई एक आवश्यकता बता सकती हो? शरीर, शरीर की कोई एक आवश्यकता बता दो। भोजन, भोजन, स्वयं की कोई आवश्यकता? स्वयं की कोई आवश्यकता? शरीर का आवश्यकता तो भोजन हो गया, सेल्फ का क्या आवश्यकता है? खुश रहना, सम्मान। आगे बताओ, आपके और आपके परिवार के लिए जो चर्चा हुआ वो कैसा लगता है? जरूरी है, नहीं जरूरी है? बाकी आप सोचो तो दोबारा आपसे बात जानवी बोले। क्या कोई जो बातें जो अच्छी लगी? सही संबंध और सुख सुविधा, ये तीनों से आप चलेंगे तो ठीक बता रहे हो तो समृद्ध हो पाए। जितनी बात हुई आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए कैसा लगता है? जरूरी लगता है कि जरूरी नहीं है? जरूर लगता है। रागिनी गुप्ता, बाकी आपको अपने लिए अपने परिवार के लिए जो भी बातें हो रही हैं ठीक लग रही है? सेकेंड डे में ये दुख और सुख जो आपने समझाया था वो अच्छा लगा कि हारमनी
संगीत जीवन व्यवस्था ही सुख है और डिसहार्मनी अव्यवस्था ही दुख है। और थर्ड डे में मानव व्यवस्था समझाई थी सर ने, उसमें स्वयं की कुछ व्यवस्था होती है और शरीर की कुछ व्यवस्था होती है। स्वयं की व्यवस्था होती है वो मात्रा में नहीं होती है, उनकी आवश्यकता हमें हर समय होती है, पर हमें शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर की जो आवश्यकता होती है उसकी एक मात्रा होती है, जो हमें भूख लगती तभी हम खाना खाते हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसा लगता है, आवश्यक लगता है? स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? पढ़ाया जाना चाहिए। कलीमा अली चौहानी है ना, कलीमा शाही। मेरा नाम करीना है। आप मुझे समझाया पहले दिन सही समान संबंध और सुविधा, ये मुझे अच्छा लगा। और दूसरे दिन हाँ सुख और दुख के बारे में समझाया था, वो अच्छा लगा। हाँ और तीसरे दिन ये कल्पनाशीलता के बारे में समझाया था, वो अच्छा लगा। और फिर आपने करवाया भी था वो और अच्छा लगा। और चौथे दिन आपने मान्य सम्मान मैंने कर समझाया था, वो अच्छा लगा। हाँ ये अच्छा लगा। ये फिर अभी भेद, ये भेदभाव वाला समझाया था, काला गोरा मोटा पतला, ये भी अच्छा लगा। तो आपको क्या लगता है पूरी बात आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी लगती है? हाँ आपके साथ ही और बच्चे जो समाज समाज
मुझे आपने सुनकर और ऐसे पूछा जाए कि ये शरीर के साथ व्यवस्था में क्या बात महत्वपूर्ण है मेरा नाम सीता है। पहले दिन आपने सही समाज और संबंध के बारे में पढ़ाया तो सेजल साहू दूसरे दिन आपने प्रस्ताव भी अच्छा लगा फिर आपने तीसरे दिन दो कोर्स के बारे में बताया मेरा नाम करिश्मा आखरे है सर। फर्स्ट डे मुझे जाना अच्छा था, प्रयास बनाना करना खाना लेना। सेकंड डे मुझे ये अच्छा लगा, सही समझ सुविधा और संबंध मुझे अच्छा लगा। और फिर आपने सह स्वीकृति के बारे में भी बताया था। उसकी जो सुख की जो परिवर्तन लिखवाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। बोल दो सर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जीने के फलाव मानव परिवार सबको समाज प्रकृति और अस्तित्व ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मानव की व्यवस्था स्वयं में और शरीर स्वयं में सुख सम्मान मिलना चाहिए, शरीर में भोजन कपड़ा ये मिलना चाहिए। मेरा नाम तन्वी रानी है।
सही सामान सम्मान सुविधा सुविधा महीने को खरीद और आपने बताया ना सुविधा संपन्न दुखी करे सुविधा संपन्न सुखी समृद्धि ये अच्छा लगता है और तीसरे दिन ये अच्छा लगा था इस हाल में ही एंड हाल में ही सम्मान सम्मान विरोध अभ्यास सर तीसरे दिन ये अच्छा लगा था प्रस्ताव मान नहीं जाते अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर और छोटे दिन जो मुझे अच्छा लगा तीसरे दिन की एक चीज़ और अच्छी लगी थी कि जो आपने कल्पनाशीलता वाला बताया था और सर एक ये ईगो वाला अच्छा लगा था ईगो डिप्रेशन अधिक आकलन कम आकलन अन्यथा आकलन और सही आकलन आत्मविश्वास ये भी अच्छा लगा था और आज जो मुझे अच्छा लगा वो लगा भेद अपमान वो जो शरीरगत आयु वंश लड़का लड़की पद सुविधागत धन पद मंदिरगत और लोग भी सुन लेते हैं फिर लौट के कंबाइन चर्चा करेंगे सबसे पूछा जाए कि सम्मान को कैसे पहचानेंगे तो बता सकती हूँ
अपमान पहचान सकते हो कि अपमान है, कैसे पहचान? जैसे कोई दूसरा हमसे कुछ कह देता है गलत, तो वो अपमान होता है। गलत ये है, मैं कैसे तय होता है? करेंगे ये बात ठीक है। एक काम से बात हो गई, अब हम लोग जो जितनी चार दिन से बात हुई है सर, दोष बनाने वो करिश्मा का भी नहीं आया। अरे करिश्मा मेरे मुंह में है, तोशु का भी बोला अभी तो मैं। तोशु का नाम भी है हाँ, इसके ऊपर यस यस तोशु का नाम शुरू में छूट गया। मेरा नाम तोशु है। आपने पहले दिन जो समझाया मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने पहले दिन चाहना सिखाया था, फिर दूसरे दिन सही समाज से संबंध सुविधा, फिर तीसरे दिन सिखाया था आपने सुख दुख के बारे में, और फिर जीने का फैलाव, मानव परिवार समाज प्रतिक आवश्यकता, और फिर शरीर के साथ व्यवस्था, परिवार के साथ व्यवस्था सिखाया था। मैंने सच में आपने अपमान के बारे में बताया था, अधिक आकलन, कम आकलन, अनेथा आकलन आपने, और फिर आज आपने बताया था भेद अपमान। कुछ जो आप चार दिन में चर्चा की होंगी उनमें से कोई कोई टॉपिक का नाम हम लेंगे, उस पर जिसको जो समझ में आता है वो बताएं, तो उसमें कोई भी बोल सकता है। अभी कैसे हाँ ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने आज बात किया था स्नेह के बारे में, बात स्नेह के बारे में क्या आप कॉपी बन सकते आप कॉपी देते हैं आप कॉपी बंद करके बात कॉपी के साथ बात होगी या कॉपी बंद आप कॉपी बंद करके जितना समझ में आया उतने के बाद। तो स्नेह के बारे में क्या किसको क्या स्पष्ट हुआ, ऐसे गलती तो होगा और क्या होगा, तो कोई बताएगा उसमें, कोई दूसरा कुछ जोड़ देगा, कोई तीसरा कुछ जोड़ देगा, ऐसे क्या है स्नेह का सकता कौन शुरू करेगा स्नेह। सर ये बोलिए, जब हम किसी संबंधी को बिना शर्त के स्वीकार करते हैं तो उसे स्नेह कहते हैं। उसने कहा कि जब हम किसी संबंधी को बिना शर्तों के स्वीकार करते हैं तो इसे स्नेह। कितने लोग लगता है जो कह रही है बात ठीक है, इसमें कुछ और जोड़ना है? कैसे पहचानेंगे कि ये स्नेह नहीं होता है तो क्या होता है? जब स्नेह नहीं होता है दो लोगों के बीच में तो क्या होता है? आप पहचान सकते हैं क्या कि आप में कब स्नेह है और कब ईर्ष्या होता है, उसको कैसे सामने वाले से जो जलन होती है वो किस बात की? तो ड्रेस होने लगता है, लेकिन अगर स्नेह होता है तो उसको कितना भी सम्मान मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें खुशी होती है। खुशी मतलब किसी के बढ़ते हुए सम्मान को देख के खुशी हो रही है तो वो स्नेह है। और अगर किसी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग ध्यान दे रहे हो, हमको खराब लग रहा है तो वो आप ये बता सकते हैं कि आप कितने लोगों को स्नेह करते हैं इस तरह का, किसी का नाम बता सकते हैं? यस सर, मैं ट्राई करती हूं। ड्रेस भी करती हो कभी-कभी? यस सर, मैं ज्यादा ड्रेस कब ड्रेस करती हूं सर, जब वो ज्यादा वो उसके हो जाता है ना, कभी मम्मी से डांट के कभी मैं कुछ गलती करती हूं तो मम्मी से बोल देता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
से आपके कह रहे हो जब आप गलती करती हो तो जाके मम्मी से शिकायत लगा देता है तो आपको उससे ड्रेस होने लगता है और मम्मी उसी के बाद सुन लेती है आप सुनते नहीं तो फिर ड्रेस होने लगता है। इधर कोई बताएगा स्नेह और ड्रेस के बारे में? मैं तो मेरे घर में सबसे प्यार करती हूँ और द्वेष सबसे करती हूँ मेरे छोटे वाले भाई पे द्वेष करती हूँ। क्यों कब करती हो द्वेष? सर जब वो मेरे घर पे आता है और वो कहता है इरेजर दे देना मैं प्लीज मैं दे देती हूँ। सर मैं 5-6 घंटे तक बैठी रहती हूँ लाते ही नहीं देता मेरे तो बहुत गुस्सा आती है। हाँ तो द्वेष होने लग जाता है। हाँ अगली बार देने का नहीं मन करता अगली बार कुछ और देने का मन करता फिर नया रेजर आता है तो पहले किसको मिलता है? तुमको या छोटे भाई को? सर मुझे पहले तो मुझे ही मिलता है। हाँ। मुझे मिलता है तो मुझे छीन के ले जाता है। हाँ। अच्छा अगर स्नेह होगा तो क्या करेंगे? प्यार से रेजनी पर लाठी भी तो देना चाहिए ना। आप थोड़ा ममता और वात्सल्य के बारे में ममता के बारे में वात्सल्य के ममता और वात्सल्य क्या अंतर है इन दोनों में? ममता किसे कहेंगे वात्सल्य किसे कहेंगे? हमारी क्षमता माँ के प्यार वात्सल्य तो जैसे जिसको भी आपने संबंधी स्वीकारा है उसमें सिर्फ शरीर है या शरीर और स्वयं दोनों है? शरीर और स्वयं दोनों है। तो जो भी संबंधी है उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी का भाव होगा। जिम्मेदारी का भाव किस किस के लिए होगा? शरीर और स्वयं दोनों के लिए कि खाली शरीर के लिए? दोनों के लिए। शरीर के लिए जिम्मेदारी का भाव है उसको क्या कहेंगे? वात्सल्य कहेंगे कि ममता कहेंगे? ममता। और जो सेल्फ के लिए जिम्मेदारी का भाव है वात्सल्य। ममता में जो जिम्मेदारी का भाव है उसमें क्या करेंगे उसके शरीर के? ममता में ख्याल रखेंगे अगर बेबी गीले में सो रहा है तो मम्मी गीले में सो जाएगी। और क्या करते हैं? बच्चे को कुकर में सुलाए तो गीले में सुलाएगी। माँ को ठंडा लगे तो पहले बच्चे को उड़ाएगी फिर माँ उड़ेगी। ये ममता का भाव क्या बता रहे? ये बता रही है बोल रहे सुबह 4 बजे उठ के मम्मी खाना बनाती है फिर जॉब पे चले जाती है फिर हम लोग को फोन करके पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया अगर खाते नहीं तो डांटती है। जब आपको लगता है कि माँ के लिए आपके ममता का भाव आ रहा है ऐसा कोई उदाहरण? सर मैं कोई काम ही नहीं कर रही हूं। आपकी मम्मी आपसे कोई काम नहीं कर रही? सर मैं काम नहीं कर रही हूं। काम बात बोलती है तो जो हमारी मम्मी सर मैं जब मम्मी के साथ मम्मी बर्तन धोती है तो मैं धुलवा देती हूं। अच्छा कितने लोग हैं कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट भूल देते हैं? कम से कम अपना प्लेट धो दिया तो माँ के माँ का कुछ तो आराम हुआ ना। आप क्या कर सकते हो वहाँ के साथ? अच्छा लगता है कि बहुत बुरा लगता है? बुरा भी लगता है। बुरा तो अच्छा जब करना पड़ता है और
जब हम अपनी जिम्मेदारी से करते हैं तो अच्छा मम्मी का तारीफ ज्यादा अच्छा लगता है या जो हमने काम अपनी जिम्मेदारी से किया है वो वाला लगता है। छोटी नहीं हो फूट और बाकी लोगों से हम लोगों ने सुख के बारे में तो हमने रसगुल्ला खाया उससे भी सुख मिला, किसी ने हमारा सम्मान किया उससे भी सुख मिला। इन दोनों तरह के सुख में क्या अंतर है? रसगुल्ला खाने का मतलब जो सुख मिला वो थोड़ी देर का, पानी पूरी का भी थोड़ी देर का, थोड़े घंटे उसको भी याद रखते आपका जो अपमान करता है वो ज्यादा याद रहता है कि आप जिसका अपमान करते हैं वो ज्यादा तो अगर आप कॉपी में लिखे हैं कि कितने लोगों ने अपमान किया आपने कितने लोगों का अपमान किया तो कितने नाम आ जाएगा प्राची का अपमान किया लाल मार दिया था अपमान है क्या लाल तो प्यार से मारे गुस्सा आ रही थी बात इस पर हो रहा है आपने किसका अपमान किया किसने आपका अपमान किया उस लिस्ट के बिना आपने जब ब्रेक दिया था ना तो तोशु मेरे से तोशु कहती मेरा पेट दर्द कर रहा था तोशु मेरे से कहने लगी करीना है ना वहाँ पे ना लंच कर रही है तू तेरा पेट क्यों दुख रहा है मैंने पेट मुझे भूख तो होली नहीं लग रही तो करीना को जाके इसने चिल्लाया तो मैंने तो उसको चिल्लाया आपने किसका तोशु का अपमान किया कौन सा वाला अधिक उल्लंघन था कि अधिक आकलन कम आकलन था कौन सा वाला कम कैसे कम आते ये सब लोग के सामने कर दिया मैंने कहा अंजलि मैं आज तेरे पास बैठूंगी अंजलि बोल रही थी सर ने बोला अलग अलग बैठने के लिए तो फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मैंने उसको ऐसे किया और एक टमाटर दे दिया इसलिए मैंने उसको अपमान कर दिया कौन सा वाला अधिक वाला कम वाला अधिक वाला या भेद दिया क्या किया अधिक वाला अधिक वाला कैसे वो वहाँ पे सब लोग बैठे थे पर मैंने तो देखे नहीं तो तुम लोगों का मैं आई थी नीचे से जब मैं आई थी हां बैठ गई अब
आज आज कौन से दो लोग हैं जिन्होंने आपका सम्मान किया, ये कितने लोग हैं? कौन से दो लोग हैं जिन्होंने आपका सम्मान किया और आपको ध्यान में है कि हाँ ये मेरा सम्मान? एक लोग, दो लोग, तीन लोग, जो हमारी बात मानते हैं ये सम्मान है या उन्होंने आपको अपने जैसा स्वीकारा ये सम्मान? अपने जैसा स्वीकारा। आपके जैसी ही है या आप उस पर एहसान करेंगे? नहीं, वो मेरे ही जैसी है। उसको अपने जैसा स्वीकार के कुछ किया तो आपको अच्छा लगा? यस सर। अगर वही काम आप ये सोच कर करते हैं कि आप उस पर एहसान कर रही हैं? ना सर, ऐसा नहीं कर रहा, मैंने अपने अपने जैसा मान के कर रहा। तो दूसरे को जो अपने जैसा स्वीकार के जी रहे हैं ये दूसरे को के लिए सम्मान है। यस। और कौन आप सर? सर मैंने आयशा से सुबह पानी की बोतल लाने को बोला था दूसरी क्लास से, तो वो लेकर आ गई। आपको लगता है ये इसमें आपका सम्मान? कैसे सम्मान है आपका? हम लोगों ने कौन शब्द पे चर्चा किया था? समृद्धि। सर उसको बताने दीजिए, वो हो रहा है। आगे आगे कुछ और चर्चा कर लेते बस। हम लोगों ने कौन शब्द पे चर्चा किया था? समृद्धि। कौन कौन लोग समृद्धि को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये समृद्धि है? देख के समझा, देख के याद हो, याद नहीं जो समझ में आ। हमारे लिए बस सुविधा जुटाना ही समृद्धि नहीं होता, हमें उसके लिए अपनी आवश्यकता को भी पहचानना पड़ता है। जब तक हम अपनी आवश्यकता नहीं पता होगी तो हम हमेशा सुविधा जुटाते रहेंगे पर हमारी समृद्धि नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि समृद्धि के लिए दो चीजें, एक तो हमारी आवश्यकता कितनी है उसको पहचानना और दूसरा सुविधा, सुविधा हमारे पास उसके अनुसार जुटाना, तो समृद्धि। आप ये भी कह रहे हैं कि खाली सुविधा जुटाते रहने से अगर आवश्यकता नहीं पता है तो घर भर जाएगा लेकिन समृद्धि नहीं। कोई उदाहरण बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप समृद्ध हैं? किसी भी चीज में, कपड़े में, जूते में, पेन में, किसी भी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कैसे कह सकते हैं पहले आप समृद्ध हैं? कोई उदाहरण के साथ बताएं। आपके पास कितने पेन हैं? पंद्रह या बीस पेन तो हैं। कितने की आवश्यकता है? पाँच छः की आवश्यकता है। तो ये आपकी आवश्यकता से कम है कि अधिक है? अधिक है। इसलिए जो आपने भाव आ रहा है वो कौन सा भाव है? समृद्धि का। बाकी लोग कुछ बताएंगे आप समृद्धि पर? कितनी आवश्यकता और कितने हैं बता सकते हैं? नौ है। तो आप जैकेट में समृद्धि। और कोई लोग समृद्धि के बारे में बता सकते हैं? कोई और लोग समृद्धि के बारे में बता सकते हैं? सर मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं
दस जोड़ी है, दस और चाहिए। जो और चाहिए उसको समृद्धि का भाव है कि नहीं है? लालच का भाव आपके पास जितनी आवश्यकता है उससे कम है कि अधिक है? अधिक है। तो कितना है और कितने की आवश्यकता है बता सकते हैं? 30 है, 5 है। 20 है और 5 और चाहिए? 30 है और 5 और चाहिए। तो कहाँ समृद्ध हुई? तो दरिद्र हो? आपको 25 से ये होता, 30 होता तो समृद्ध होती। आपको 30 है और 5 और चाहिए। मेरे 5 घट गई ना। 5 घट गई तो दरिद्र हो गए ना। फिर तो दरिद्रता आ गई। 5 जब भी जाओगे किसी भी दुकान पे तो 5 ड्रेस ही दिखेंगे। मानव के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा की, मानव के बारे में क्या समझ लिया? मानव के बारे में चर्चा हुई हेलीकॉप्टर बनना आता है? मानव में व्यवस्था के क्या किसको किसको बता रहा है? पहले बता दी मानव व्यवस्था मानव के बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में, मानव में व्यवस्था के बारे में। मानव ही तो हो, शरीर की जो आवश्यकता है वो फिजिकल है कि असली है?
शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सीमित है कि असीमित है? सीमित है। और सेल्फ की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित? स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित है या असीमित है? असीमित। असीमित। जैसे कि उदाहरण सम्मान आवश्यक है कितने? है। इसकी आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता सीमित है? असीमित। असीमित क्यों नहीं? सर आप कुछ नहीं इसलिए तो कुछ की आवश्यकता असीमित से सर पता नहीं सीमित है कोई आने और दे तो मना कर देती हो क्योंकि वो सीमित है वो पूरा हो गया लेकिन कोई आपकी चार दिन से आपका सम्मान कर रहा है तब आपने थोड़ा कहती हो कि सम्मान हटाओ बहुत हो गया नहीं कहते सीमित हो या सीमित हो असीमित मतलब जिसको सीमा में ना बांटा जा सके जिसको कितना चाहिए इतना क्या हो सके वो असीमित है सीमित असीमित वर्ड है ठीक आप कुछ और सब मुझे कपड़े की आवश्यकता है खड़े और भोजन की जूते की ऐसे बहुत चीजें की आवश्यकता है और सम्मान गुणात्मक सही समझ और सही भाव परिवार व्यवस्था के बारे में परिवार व्यवस्था में सुविधा के साथ साथ भाव की भी आवश्यकता तो विश्वास के भाव को हम लोगों ने पढ़ा विश्वास के भाव कॉपी को बंद रखें तो विश्वास के भाव के बारे में उसका दिमाग हो गया था क्या बात कर रहे हैं देखो क्या बात कर रहे थे उसको बोल रहे थे अरे हम क्या बोल रहे थे ये पूछ रहे हमने कहा कि हम लोग परिवार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे उसमें भी विश्वास के बारे में तो विश्वास के बारे में आप लोगों को क्या समझ में आया सोचते आप बताओ
उदाहरण जैसे कि मुझे अपने बड़े पापा पे भी विश्वास है। कैसे कह सकते हो विश्वास? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे उनके चाहना पे शंका नहीं है। उनकी योग्यता कभी कम पड़ती है? हाँ कभी कभी। आपको गुस्सा आता है अपने बड़े पापा पे? आता है पर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो किस लिए कंट्रोल कर लेती हो? तो बड़े हैं इसलिए उनकी योग्यता कम है इसलिए? उनकी योग्यता कम है और वो बड़े भी हैं। तो डर भी लगता है कि कहीं उनको गुस्सा आ गया तो क्या हो सकता है? आप बताइए, आप कुछ कहना? विजेता कुछ बता रही है। बोल रहे सर मुझे भी है विश्वास मेरे भाई। कैसे कह सकती हो? क्या उदाहरण है? कि वो मेरी हर बात सुनता है पर वो बड़ा है इसलिए। हाँ कभी गुस्सा आता है उसके ऊपर? मुझे नहीं आता। उसको आता है? हाँ उसको। आपके तो ऊपर विश्वास है? बिल्कुल बहुत है। तो फिर गुस्सा क्यों आता है? सर कभी कई बार मैं उसकी बात नहीं सुनती। बात नहीं सुनती हो इसलिए गुस्सा आता है? तो वो क्या सोचता होगा? आप उसकी बात सुनना नहीं चाहती या सुन नहीं पा रहे? सुन नहीं पा रही। अच्छा अगर ये लगता है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं तो क्या लगेगा? और जब लगता है कि आप सुनना ही नहीं चाहती तो क्या? दोनों में एक ही जैसा लगेगा? अलग अलग। अलग अलग। गुस्सा किस में आएगा? सुन नहीं पा रहे इसमें गुस्सा आएगी, सुनना नहीं चाहती इस पर गुस्सा आएगी? सुनना नहीं चाहती। बताएगा विश्वास के बारे अगर कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी कारण से, मतलब विश्वास निरंतरता में आता है। सर वो क्या करती है, मैं जब भी मोबाइल चला रही होती हूँ तो वो दे देती है और बोलती है जाते पर और मेरी मोड भी छीन लेती है। वो फिर भी मम्मी को यही बोलती है कि दिन भर मोबाइल में गेम देखती है। आपको भी योग्यता पे शंका है या वो आपको टीवी देखना है कि देना चाहती तो ज्यादा शंका हो गई? इसलिए योग्यता पे तो योग्यता पे तो फिर गुस्सा आएगा। गुस्सा आ रहा तो मतलब शंका कहाँ हो रही उनके? थोड़ी देर के लिए सिर्फ मम्मी आपकी बात नहीं सुनती, दीदी की बात सुनती है? मम्मी कभी कभी मेरी बात सुनती, कुछ चिल्लाती है कभी कभी, कहती है हमेशा तू एक ही बात लेके आती कि मोबाइल चला रही हूँ टीवी देख रही हूँ, जब देखती है जब भी शिकायत करती है। देखती है? हाँ मैं देखती हूँ। और बहुत सारी बात कर देती है मेरे घर पर, मुझे कैसे कैसे अभी जो भी जो कुछ मुझे तो लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक पे बात कर लिया। आप इस पूरे चार दिन की चर्चा पे पूरे चार दिन की चर्चा के बारे में कोई दो लाइन अपने मन से जो कहते हैं, कोई भी दो लाइन बिना कॉपी देखे, कॉपी अलग से जो आपको फ्री एकदम कि चार दिन की चर्चा के बारे में कोई भी दो लाइन बोलना, कोई भी दो लाइन सबको है सबको, हाँ सब लोग अपना बताएंगे, कोई भी दो लाइन है ना, अच्छा लगा खराब लगा सर मुझे चार दिन की चर्चा के बारे में
ये अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से चर्चा की और बहुत कुछ समझ में आया, और मैं ये चाहती हूँ कि और भी चर्चा हो, और भी आप समझाएं, और भी आपका क्लोजिंग रिमार्क।
सर आपने चार में समझा तो सही समय संबंध सुविधा और मानव जांचे अपने परिस्थिति के आधार पर और मानव का फैला ये सारी बातें मैं बहुत अच्छी15 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद यही बेस्ट किया।